झुमका झुलनिया हार हंसुरी नथुनिया चाहे कजरा के धार तो हरे एक मुस्कान हमर सोरा हो सिंगार राजा सोरा हो सिंगार तो हरे एक मुस्कान हमर सोरा हो सिंगार राजा सोरा हो सिंगार। वाह क्या बात है। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं गायिका प्रीति शर्मा। कहाँ की रहने वाली है? गया के रहने वाले हैं। वाह क्या बात है। तो गया में रह के भोजपुरी कैसे? गया में तो मगही चलता है, मगही उधर तो मगध का क्षेत्र हुआ, तो भोजपुरी में कैसे रुचि हो गया? नहीं वैसा कुछ नहीं है, लोग पढ़ाई करते हैं तो क्या इंग्लिश में है तो उसको इंग्लिश पढ़ने के लिए सीखते हैं, जो हिंदी में लिखा रहता है उसको हिंदी में, तो मतलब जो भी चीज है तो उसको हम मतलब सीखने के लिए करेंगे तो कुछ भी सीखेंगे, चाहे मैथिली हो हिंदी हो या भोजपुरी। मतलब मगध क्षेत्र में भी रह के भोजपुरी में रुचि है। कब से ये रुचि कब से है आपको? बचपन से है या फिर कब से आपका ये रुचि है? बचपन से ही समझ लीजिए, गाने का मुझे बचपन से ही शौक। घर में ऐसा माहौल था संगीत का या फिर? नहीं घर में माहौल संगीत का नहीं है लेकिन संगीत को लोग मानते हैं। अच्छा घर में सपोर्ट है संगीत? सपोर्ट है, सभी का सपोर्ट है। संगीत प्रेमी लोग हैं सभी? सबसे ज्यादा किन का सपोर्ट होता है? पापा का, मम्मी का? सभी लोग का, पापा का, मम्मी का, भाई का, बहन का। अच्छा वैसे आप भोजपुरी में देखा जाए अमूमन बहुत सारी फीमेल सिंगर हैं और पहले भी थी, अभी भी हैं और आने वाली भी होंगी। आपको इस भोजपुरी क्षेत्र में प्लेबैक सिंगर बनने का ख्वाब मतलब कैसे हुआ? किसको आप आइडियल मानते? कैसे आपको मन में आया कि नहीं मुझे भी भोजपुरी? आप तो गाना गाती थी, आपको लोग घर में सपोर्ट करते थे, लेकिन इस फील्ड में आ करके एक प्रोफेशनली लाइफ में आके आने का कैसे मन किया, कैसे डिसीजन आपने लिया? डिसीजन मतलब लेना ये कि हम बचपन से ही गाते रहते थे और डांस का भी मुझे बहुत शौक है। अच्छा अच्छा डांस भी घर में ही बजा बजा के डांस करते थे। मतलब बचपन में ही आपने टारगेट फिक्स कर लिया था मुझे सिंगर बनना है। और गाने में तो ऐसे मैं कल्पना जी को मानती हूँ। अच्छा उनको आप वो बहुत ही अच्छा गाते हैं। अच्छा कोई ऐसा गीत जो कल्पना जी का आपको अच्छा गाना लगता हो और आप वो हमेशा गुनगुनाती हो गाती हो? हाँ ये गाना है उनका, झुमका झुलनिया हार झुमका झुलनिया चाहे पाओ पाए जनिया कुल झीनिया के नाम, झुमका झुलनिया हार झुमका झुलनिया चाहे पाओ पाए जनिया कुल झीनिया के नाम, दिलवा दी हनाए राजा सौतीनिया के नाम, दिलवा दी हनाए राजा सौतीनिया के नाम, दिहमल मलिया चाहे कमर करा धनिया ओहे नगीनिया के ना, दिलवा दीहनाए राजा सौतीनिया के ना, दिलवा दीहनाए राजा सौतीनिया के ना। क्या बात है। अच्छा ये आप कल्पना जी का आपने जिक्र किया कि आप उनको पसंद करती हैं, उनको फॉलो करती हैं, लेकिन भोजपुरी फील्ड में आप प्रोफेशनली आपने पहला गीत कब गाया था? आपका पहला रिकॉर्ड कब हुआ था गाना? मेरा पहला सॉन्ग जो रिकॉर्ड हुआ है वो मुझे याद नहीं है। अच्छा मतलब तो कब लगभग कौन सा ईयर में कितने साल पहले आपने पहला गीत गाया था? 2 साल 3 साल 4 साल? 3 साल पहले। अच्छा मतलब कि 2019 से आप हैं इस फील्ड में? जी 19 में मतलब पहला गीत आपने गा दिया था। हाँ। अच्छा वो गीत याद है या फिर अपना आपका अपना कोई फेवरेट सॉन्ग आपको जो आपको अपना ही गाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता हो? फेवरेट सॉन्ग तो हमको जो भी गाना नया आता वो फेवरेट हो जाता है मेरे लिए। अच्छा तो कोई लेटेस्ट जो आपको जो अच्छा लगता हो? जो अभी मुझे गाना जो आया जो मुझे अच्छा लग रहा है। कौन सा? तनी देखल करी हमारा के काम जी न तो हो जाए प्यारे बलाम जी, न तो हो जाए प्यारे बलाम जी। अच्छा आप प्रोग्राम भी करते हैं, स्टेज भी करती हैं? जी। मतलब बिहार के मतलब कौन कौन से एरिया में सबसे ज्यादा आपने प्रोग्राम किया है? अभी तो सबसे ज्यादा प्रोग्राम मतलब मिला जुला के सभी जगह प्रोग्राम किया। मतलब रेगुलर है आप इसमें अभी कंटिन्यू कर रही हैं? रेगुलर कंटिन्यू तो नहीं बता सकते लेकिन मिला जुला के सभी जगह कार्यक्रम को कर रही हूँ। और भोजपुरी में क्या करने की इच्छा है? भोजपुरी में करने की इच्छा क्या? भोजपुरी में यही कि अच्छा गाएं, लोग सपोर्ट करें,
दर्शकों से एक क्या नाम हो। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि हम मेहनत करें और अच्छा से अच्छा गाए, वो लोग पसंद करें, आगे बढ़ने का एक जरिया मिले मुझे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। जाते जाते हम चाहेंगे कि आप एक ऐसा गीत गाइए जो आपको हमेशा अकेले में गाने का मन करता हो, या फिर कभी मतलब वो खुद के लिए गाती हैं। एक होता है कमर्शियली सिंगिंग, होता है कि नहीं चलो ये व्यूज के लिए गा लिए या फिर किसी को खुश करने के लिए गा लिए। एक होता है कि नहीं ये खुद के लिए गाना है, ये गाना लोग को पसंद आया ना लेकिन मुझे काफी पसंद हो, वैसा कोई गीत जो आप हमेशा गुनगुनाती हो, जो आपको हमेशा अच्छा लगता हो। हमेशा गाना तो इसमें हिंदी गाना ज्यादा गुनगुना। चलिए तो आप वही गाना गा दीजिए दर्शकों के लिए। तेरी मोहब्बत में दिल में मकाम कर दिया, तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया, मैंने भी अपना दिल ये जा तेरे नाम कर दिया। तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया। चलिए, बहुत अच्छा लगा प्रीति जी आपसे बात करके, आपने बहुत अच्छे अच्छे गीत गाया। आई होप कि दर्शकों को भी आपका गीत ये अच्छा लगा हो। और कोई आपका अगर कोई पर्सनल यूट्यूब चैनल है तो प्लीज आप बता दे, ताकि आपके ये जो देख रहे हैं दर्शक वहाँ पे जाके आपके विजिट करें इस चैनल को। हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल सिंगर प्रीति शर्मा के नाम से। अच्छा, तो जो सुन रहे हैं सिंगर प्रीति शर्मा का ऑफिशियल चैनल है और ये स्टेज भी करते हैं। अगर आपको अगर कॉन्टेक्ट नंबर इनका दिया हुआ रहेगा डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज आप लोग जाए इनके चैनल पे, ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी। आप सबको भी प्रणाम।